गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ कंप्यूटर चैप्टर नंबर 4 एमएस एक्सेल। आई वुड लाइक टू से दैट कीप योर मोबाइल एटलीस्ट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम योर आईज। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है? आपका स्प्रेडशीट डेवलप मोबाइल माइक्रोसॉफ्ट ऑफ विंडोज, यानी ये आपका एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको डेवलप किया गया था माइक्रोसॉफ्ट ने, इसके लिए फॉर द विंडोज। और हमारा टॉपिक क्या है? इंट्रोडक्शन टू एमएस एक्सेल। कुछ फीचर्स, कैलकुलेशन, ग्राफिंग टूल, पाइवट टेबल एंड मैक्रो प्रोग्राम, लैंग्वेज कॉल, दीज आर बेसिक एप्लीकेशंस। यानी इसमें आप कैलकुलेशंस क्या होती है गनमैन कर सकते हैं, आप इसमें टूल्स बना सकते हैं, या इसमें आप टेबल तैयार कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जिसको हम लोग बोलते हैं विजुअल बेसिक एप्लीकेशन। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज द इंडस्ट्री लीडिंग स्प्रेडशीट। ये क्या आपका लीडिंग स्प्रेडशीट है, प्रोग्राम यूज बाय मिलियंस ऑफ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसको संसार के सभी लोग इसका प्रयोग करते हैं। यू कैन शो फिल्टर, फॉर्मेट एंड चार्ट का डाटा, यानी हम इसमें अपने डाटा को किसी भी ऑर्डर में लगा सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं, फॉर्मेट लेवल चेंज कर सकते हैं, और साथ साथ हम दिए गए डाटा के ऊपर उसको चेंज कर सकते हैं चार्ट में। जैसे आप मैथ में चार्ट बनाते हैं, अलग अलग एरिया ग्राफ, बार ग्राफ, ऐसे आप इसमें जो है चार्ट पेपर तैयार कर सकते हैं किसी भी एक प्रोग्राम में। इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट जो होती है उसको बोलते हैं टेबल्स एरिया इन एक्सेल विंडो इन विच यू एंटर योर डाटा परफॉर्म फंक्शंस। यानी इसमें क्या होती है, आपकी वर्कशीट होती है जिसमें हम डाटा को क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। इसमें हम दिए गए डाटा को क्या करते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं। आपके जितने भी आपके ऑफिस है, बैंक है, कॉलेज है, उनमें अगर मुझे अकाउंटिंग का कोई वर्क करना है तो मैं उसमें एमएस एक्सेल का प्रयोग करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको कंप्यूटर में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कॉल या एसएमएस कर सकते हैं। अगर किसी का वर्क इनकम्प्लीट है, रेडिंग से फ़ोन कर सकता है। ये वर्क केवल आपको समझना है, उतारना नहीं है। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।